हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का एसईओ होता है। दोस्तों, एसईओ दो प्रकार से होता है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। तो ये आज की वीडियो में यही जानेंगे हम कि ऑन पेज एसईओ में क्या करते हैं, ऑफ पेज एसईओ में क्या करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, हम जानेंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि एसईओ दो प्रकार का होता है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है दोस्तों? ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपनी वेबसाइट पर काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो एसईओ करने के लिए रेडी हो जाए, यानी एसईओ फैमिलियर हो जाए। क्योंकि जब तक हमारी जो वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होगी, तब तक हम ऑफ पेज नहीं कर सकते और ना हमें ऑफ पेज का फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप है ऑन पेज एसईओ का। जो पहला स्टेप है वो है ऑन पेज। ऑन पेज बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ऑन पेज में क्या करते हैं, ऑन पेज में जैसे मैंने बोला, ऑन पेज में हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। हम क्या क्या ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जैसे हम अपनी वेबसाइट में हाई क्वालिटी कंटेंट डालते हैं, यानी जो कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं वो फ्रेश और हाई क्वालिटी और मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए, ताकि जब कोई यूज़र उसको सर्च करे तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, यानी यूज़र एक्सपीरियंस उसका अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा कंटेंट हमें डालना, हाई क्वालिटी कंटेंट, यानी विदाउट कॉपी कंटेंट। वो कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद ऑप्टिमाइज करते हैं हम हेडलाइंस को, ऑप्टिमाइजिंग हेडलाइंस, जो H1 टैग्स, H2 टैग्स ये जो होते हैं, इनको ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। और फिर क्या करते हैं हम, ऑप्टिमाइज इमेजेस, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं और इमेजेस पे ऑल टैग्स डालते हैं। तो ऑन पेज में इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इन चीज़ों को ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो ऑफ पेज करने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि जब तक हमारा ऑन पेज अच्छा नहीं होगा, तब तक हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर नहीं आएगी, एक अच्छी रैंकिंग उसको नहीं मिलेगी। इसलिए ऑन पेज करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, ऑन पेज क्यों करते हैं, ऑन पेज इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन रिजल्ट के टॉप रैंकिंग में आ सके। एक अच्छा ऑन पेज, यदि आपने अपनी वेबसाइट पे अच्छा ऑन पेज करना चाहते हैं या कर रखा है, तो आप अच्छी रैंकिंग आप डिज़र्व करते हैं। आपकी वेबसाइट एक अच्छी रैंकिंग को पा सकती है गूगल के या कोई भी सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑफ पेज की। ऑन पेज हमने कर लिया, अब बात करते हैं ऑफ पेज की। जो दूसरा एसईओ का प्रकार है वो है ऑफ पेज एसईओ। दोस्तों, ऑफ पेज एसईओ में, इसको हम ऑफ साइट एसईओ भी कह सकते हैं। ऑन पेज में हम अपनी वेबसाइट पर काम करते हैं और ऑफ पेज में हम अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं दूसरी साइट्स पे, जैसे अपनी वेबसाइट के लिंक को शेयर करके, लिंक बिल्डिंग करके, कंटेंट को शेयर करके, इस टाइप से हम अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं। यानी जो साइट्स हमारी, हमारे जो साइट, जो हमारा काम है, जो हमारा बिजनेस है, उससे रिलेटेड साइट्स पर अपनी वेबसाइट के लिंक को शेयर करके, इन्फॉर्मेशन को शेयर करके, इस टाइप से हम अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं। और जितना अच्छा हमारा प्रमोशन होगा, जितनी अच्छी साइट्स पर हम अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करेंगे, यानी हाई डोमेन अथॉरिटी साइट्स पे, किसी भी साइट्स पे नहीं, जिस साइट पे हम सबमिशन कर रहे हैं, जिस साइट पे हम अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, वो साइट कैसी होनी चाहिए, हाई डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए, हाई रेलिवेंट होनी चाहिए। तो जब हम ऐसे करते हैं, तब हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल के या कोई भी सर्च इंजन के फर्स्ट पेज में वो अच्छी रैंकिंग को प्राप्त करती है। तो ये दो एसईओ का प्रकार है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।